स्टिल मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा पता नहीं, बट बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत। नेवर ट्रस्ट, आई रिपीट, नेवर ट्रस्ट गूगल मैप्स। सो फाइनली दादा से मिल गए और दादा ने सारे स्टोरीज को कवर करते रहता है, उसमें से चूज कर करके जो डालना होता है वो निकाल लेता है। ट्रेनिंग के बाद में नो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओनली सिंपल कार्ब्स। भाई ने लेग वर्कआउट किया है और क्या खा रहे हैं देख रहे हो, आइसक्रीम आइसक्रीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ मैं आपका नए वीडियो में। बैग और मुझे देख के तो आपको पता चलेगा होगा कि आज ये फिटनेस वीडियो होने वाला है, वर्कआउट वीडियो होने वाला है। तो आज का वर्कआउट जो करने वाला हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज मिलने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में, बट मैं उनसे एक साल पहले मिला था आई थिंक, और आज मैं उनके उससे मिलने वाला हूँ। कहीं ना कहीं बहुत बड़े यू नो मोटिवेशन रहे हैं मेरे लाइफ में और बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे। एंड आई थिंक इट्स माई फर्स्ट टाइम उनके साथ में ट्रेनिंग करने का, तो या बहुत एक्साइटेड हूँ। फिलहाल हूँ मैं मेट्रो से जा रहा हूँ बिकॉज बहुत ट्रैफिक है रोड पे, और मैंने ऑटो छोड़ के मेट्रो चूज़ किया है। आगे जाके मेट्रो हो सकता है, छोड़ के फिर ऑटो से जाना पड़ेगा बिकॉज जहाँ मुझे जाना है मीरा रोड जाना है, मीरा रोड तक मेट्रो नहीं है। फिलहाल हूँ मेट्रो स्टेशन पे। यार मैंने भैया को 8:30 बोला था पहुँचने के लिए, अभी टाइमिंग हो रहा है अराउंड 8:10, स्टिल मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा पता नहीं, बट बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत। भाई आज एक और लेसन मिला है मुझे कि ये गूगल मैप के ऊपर कभी ज़िंदगी में भरोसा नहीं करूँगा। जंगल में ला दिया, बताओ 2 किलोमीटर था, पूरा जंगल में घुसा दिया मुझे यार। नेवर ट्रस्ट, आई रिपीट, नेवर ट्रस्ट गूगल मैप्स। यार कभी भी लाइफ में ना गूगल मैप को ट्रस्ट नहीं करूँगा। एक तो गूगल मैप ने आज ऐसा घुमाया ना, मतलब लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज़, बट फाइनली पहुँच गया यहाँ पे। एंड एक तो एक्साइटमेंट इतना था दादा से मिलने के लिए, और ऊपर से ये जो लेट हुआ है ना मेरा, हाँ लिफ्ट। फाइनली पहुँच के दादा को मिल भी लिए, और दादा बिजी हैं अभी वर्कआउट में। सो फाइनली दादा से मिल गए, और दादा ने आते ही पहले बोला वर्कआउट स्टार्ट करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। और आज एक साल अप्रॉक्स 1 साल बाद मिल रहा है, और एक्साइटमेंट तो देखा ही रहेगा आपने कितना था मेरे को। फिर अब वर्कआउट ख़त्म करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. देसी जिम वीम वाला ना, दादा का बहुत बड़ा फैन है वो एक्चुअली। सारे स्टोरीज को कवर करते रहता है, उसमें से चूज कर करके जो डालना होता है वो निकाल लेता है, तो बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है उसके अंदर। सो देसी जिम
सो फाइनली बाहर भी देखते हैं यहाँ आगे का क्या प्लान है। उसके बाद मोस्टली यहाँ से थोड़ा बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो गया है, मोबाइल चार्ज करके घर पे ही निकलूँगा मोस्टली। बट जितने देर से हूँ मैं दादा के साथ में, हर एक बात पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिल रहा है। न्यूट्रिशन के रिलेटेड ले लो, ट्रेनिंग के रिलेटेड ले लो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ दादा के साथ में वर्कआउट करके। और हमारे साथ में है सैफ भाई, सैफ भाई मेंस फिजिक एथलीट हैं। बस अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। दादा के साथ में एक एक से मोटिवेशन बातें मिल रही हैं। एक बंदा बोलता है चलो चपाती खाते, दादा बोलते हैं नहीं, ट्रेनिंग के बाद में नो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओनली सिंपल कार्ब्स, राइस खाते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस एथलीट के साथ में या एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ में आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम पहुँचे फिलहाल दादा के साथ में शोरमा खाएँ, बट मैं वेजिटेरियन, मैं नहीं खा सकता शोरमा, लेकिन दादा ये लोग खाएंगे। मेरे साथ में है भैया, आपका नाम क्या है? राहुल छेत्री। राहुल छेत्री भैया का यूट्यूब चैनल भी है राहुल छेत्री के नाम से, राहुल छेत्री के नाम से यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा भैया के चैनल का, सब्सक्राइब कर लेना। और सैफ से तो मिले ही हो, और ये है इनकी मेरे भाई है, ये अकाउंट में सारे जितने भी मेरे वीडियोज़ है यही शूट करता है। ओके और अगर आप पुणे में रहते हो ना, अगर पुणे में किसी को फोटो शूट कराना है, प्री वेडिंग का भी फोटो शूट करते हैं भैया, हर टाइप का फोटो शूट करते हैं, कुछ भी हो तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। अगर आपको पुणे में या मुंबई में भी चाहिए तो मुंबई में भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिटरली बोल रहे, पहले जूहू बीच गए कुछ नहीं मिला, उसके बाद गए गेटवे ऑफ इंडिया, वो साइड वैसे मैंने आपको खाने का खाया होगा ना, फिर बॉम्बे स्टेशन तो है। आप अगर ऐसा देखने जाओगे ना मुंबई में रात के टाइम, अगर आपको खाना है तो ऐसा साइकिल पे खड़े होते हैं ना उनके पास में होता है, स्टेशन के बगल में आप देखोगे ना तो इडली वगैरह लगा के खड़े रहते हैं। हाँ, रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे आपको पोहा वगैरह मिल जाएगा, साइकिल में मिलता है, साइकिल में मिल जाएगा। और भाई ने लेग वर्कआउट किया है, और क्या खा रहे हैं देख रहे हो, आइसक्रीम, आइसक्रीम। और इंस्पायर कहाँ से हो रहे हैं? ये आइसक्रीम नहीं, इंस्पायर कहाँ से हुआ? आइसक्रीम खा के, मैगी खा के देख रहे हो इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है। तो अभी तो इनका कुछ गेम है नहीं, तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो बाकी लोग से तो मिल लिए, चप्पल दे दो, मिलाते हैं हमारे अमन भैया से। हेलो अमन भैया, हमारे फिटनेस फैक्ट्री जिम मीरा रोड में, यहाँ पे ही ट्रेनर है। तो अगर आपको कभी भी मीरा रोड में रहने वाला कोई है तो यहाँ पे आके अमन भैया का नाम ले सकता है, फिटनेस फैक्ट्री मीरा रोड में 4 बजे के ऊपर। और वेट कब कर रहा हूँ? बहुत जल्द, क्योंकि अभी तो अपना थोड़ा टाइम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था ना, किसी का अच्छा चल रहा था, किसी का ख़राब चल रहा था, ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए अभी आएंगे भैया, अभी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, जितने लोग हैं सबका इंस्टाग्राम में लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो जैसा कि मैंने बताया था, मेरा मोबाइल हो गया है डिस्चार्ज, और अभी जाना है घर पे। तो यार रास्ते में एक आधे घंटे को लगेंगे ही, इसके दादा के साथ में आके दादा के घर पे ये थोड़ा सा चार्ज करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगा। वर्कआउट बहुत अच्छा था, और जितना एक्साइटमेंट था काफ़ी अच्छा गया। और हो सकता है कल या परसों फिर से दादा के साथ में एक साथ फिर से वर्कआउट करूँगा, अगर मेरा मुझे मौका मिला तो। बट आई डोंट थिंक कि दादा के साथ मौका मिलने वाला है। और कल एक्सपो में, कल जो इवेंट होने वाला है IHFF, जैसा मैं पहले ही बताया था, तो एक्सपो में कल सब साथ में जाने वाले हैं, और बहुत ही खतरनाक ब्लॉग आने वाला है। सो मोबाइल हो गए चार्ज, और बस निकलने, यार बहुत लेट हो गया, 1 बजने वाले, बस दादा के घर पे थे, खाना वाना हो गया। और तो कुछ बोलना चाहोगे दादा व्यूअर्स के लिए हमारे? बस यही है, फॉलो करिए अपकमिंग पावर लिफ्टर को, एंड बस आई होप सो कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलते रहे। बस मेरा 3 दिन का जर्नी है, और बाकी आप इस पर स्टोरीज में मुझे देख पाओगे, तो फॉलो हिम कंटिन्यूसली। थैंक यू सो मच दादा। और दादा का इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, लेकिन फालतू का मैसेज मत करना। सो दादा के घर से निकल चुके हैं, और ऐसा आपने देखा यार आज का दिन बहुत अच्छा था, जो वाइब थी ना यहाँ पे साथ में वर्कआउट करने में, और दादा के साथ में रहने के बाद में जो उनकी बातें थी ना,
मतलब हर चीज हर जगह जो जो चीज़ें वो बोल रहे थे छोटी छोटी चीज़ों में उनके यू नो कुछ ना कुछ हमें बता ही देते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जस्ट मैं निकला हूँ यहाँ से मीरा रोड से जाना है घर, रात के बज रहे हैं 1। लेट्स सी। सो फाइनली आई गॉट टैक्सी कैब मिल गया और 10-15 मिनट में घर पर पहुँच जाऊँगा। तो ये वीडियो मैं इतने ही रखता हूँ, कल का एक जो वीडियो होगा कल नहीं परसों मतलब सैटरडे को आ जाएगा वो वीडियोस। और ये लास्ट था आज का, होप यू एंजॉयड एंड मिलते हैं कल सीधा एक्सपो के वीडियो में।